अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर ब्लॉगर और आज मेरे साथ स्पेशल गेस्ट हैं ऑस्ट्रेलिया से मेरे बहुत अजीज फ्रेंड अली खालिद और उनके साथ हैं नुमान यूनुस पाकिस्तान से, अवामी वेब के सब एडिटर हैं वो। और आज हम टॉपिक हमारा जो है जो हम डिस्कस करेंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान में जो लॉकडाउन हो रहा है उसकी क्या सिचुएशन है, उसका हम कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ पहले नुमान से और पूछता हूँ कि यार पाकिस्तान में क्या चल रहा है इस वक्त। पाकिस्तान में जो है वो काफी खतरनाक सिचुएशन है और लेकिन उसमें आवाम और हुकूमत जो है वो उनके एक्शन से नहीं लग रहा कि ये खतरनाक सिचुएशन है और हम इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ भी जा रहे हैं और साथ साथ जो हेल्थ सेक्टर है वो भी हमारा बहुत वीक है। आवाम जो है वो उन चीजों का अमल नहीं कर रही जिसका हुकूमत कर रही है और हुकूमत भी वो चीजें इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रही जो वो करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की आवाम, क्योंकि यहाँ पे भी अब लॉकडाउन स्टेज 3 पे आ चुके हैं हम लोग, तो ऑस्ट्रेलिया की आवाम काफी हद तक घर पे है, सब बहुत एहतियात कर रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट का जो है वो रोल ये है कि काफी पुलिस जो है वो इन्फोर्स कर रही है लॉकडाउन, तो जगह जगह मतलब वो मॉनिटर करते हैं और देखते हैं कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है। तो इलाके हैं अंदर की साइड पे जो दुकानें होती है बहुत भरी हुई दुकानें होती है वो सारी खुली हुई है तकरीबन, मैकेनिक की सही है ना, प्लम्बर की सही है, हार्डवेयर वाले की सारी दुकानें खुली हुई है। कराची में ये हुआ है कि सुबह 8 बजे से 5 बजे तक उन सिर्फ नेसेसरी शॉप को, जिनके यहाँ राशन वगैरह वाली शॉप होती है और दूध वगैरह हो गई मेडिकल स्टोर, उनको जो है अलाउ किया हुआ है, लेकिन उसके चक्कर में सारी दुकानें खुली हुई है अंदर। जैसे ही 5 बजने वाले होते हैं यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कि रमजान में अफ्तारी का जो टाइम होता है ना, बिल्कुल वो सिचुएशन होती है। लोग गुत्तम गुत्ता होते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होते हैं और कंधे के ऊपर से हाथ आ रहे होते हैं कि हमें पहले दे देना, समोसों और रोल वालों के ऊपर बहुत शदीद रश होता है। सुबह 7 से 8 तक इन्होंने एल्डरली जो पीपल है, जितने भी लोग जो बुजुर्ग है 65+, उनके लिए उन्होंने वो डेडिकेटेड एक स्लॉट बनाया था जिसमें वो जाते थे और ग्रोसरी कर लेते थे। तो उसमें क्या हो रहा था, क्योंकि बेचारे जो बुजुर्ग है इधर वो देर से जा रहे थे तो उनको चीजें नहीं मिली थी, तो उनके लिए उन्होंने कर दिया कि यार वो पहले जाए जाके अपनी शॉपिंग कर ले, उसके बाद जितने लोग हैं वो जाके अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। मुझे ये बताओ, पाकिस्तान में तो पता है कि जब ये स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे बहुत सारी चीजों की शॉर्टेज हो गई और प्राइसेस बहुत अब हाई हो गई ना, ये मेडिकल मास्क 5 रुपए से 40 रुपए तक का मिल गया और बहुत सारी जगह पे तो मिलता भी नहीं, सैनिटाइजर का भी यही सीन हुआ, शॉर्ट हो गया और बहुत महंगा हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया में बताओ कि प्राइस कंट्रोल हुआ इसके ऊपर और शॉर्टेज कंट्रोल हुई कि नहीं हुई? यहाँ पे देखो प्राइस तो कभी भी बढ़ी नहीं क्योंकि कंज्यूमर लॉ है। अलबत्ता हुआ ये कि बहुत सारे लोगों ने जाके, जैसे आप किसी हॉलीवुड मूवी में देखते हैं तो ट्रॉली भर भर के, वो 6-6 ट्रॉलियां भर भर के एक एक छोटी हैचबैक गाड़ी में, सेडान गाड़ी में भर भर के ग्रोसरी ले गए थे, जिससे शॉर्टेज हो गई है। तो सैनिटाइजर नहीं है तो नहीं है, मास्क नहीं है तो है ही नहीं, किसी के लिए भी नहीं है। वो कई कई जगह थोड़ा थोड़ा आता है और वो उसी वक्त जो है वो बिक जाता है। तो जिन जिन लोगों की जॉब छुट्टी है वो उनका ये है कि उनको गवर्नमेंट $1500 फोर्टनाइटली देगी, मतलब $3000 मंथली, और उसमें वो लोग भी शामिल है कि जिनका जो सोल ट्रेडर्स है, जो बिजनेसमैन है, और उनकी कोई 30% अगर किसी की सैलरी मतलब इनकम रिड्यूस हुई है तो उनको भी ये बेनिफिट मिलेगा। टेम्पररी वीजा होल्डर्स हैं, उन जो 1 साल से ज्यादा इधर रह चुके हैं उनको ये अभी इमिग्रेशन मिनिस्टर ने बोला है कि आप अपना सुपर एनुएशन फंड जो होता है उसमें से यू कैन विड्रॉ सम अमाउंट $10,000 इन 1 ईयर। अच्छा, ये अभी मस्जिद की और रिलीजियस जो प्लेसेस होती हैं उनकी सिचुएशन मैं पहले पाकिस्तान की बता दूं कि पाकिस्तान में मेरे मोहल्ले में मस्जिद में ये हुआ कि पिछले जुम्मे नमाज के अंदर लोग आ रहे थे नमाज पढ़ने, सही, तो पुलिस ने छापा मारा और हमारी मस्जिद को वॉच लिस्ट में डाल दिया। अब ये हो रहा है कि हर वॉच लिस्ट में, मतलब कि अगर अब आप यहाँ पे अगर इस तरह की कोई कंप्लेन मिली तो ये कि मस्जिद को सील कर दिया जाएगा। अजान होती है और अजान के बाद ना एक ऐलान होता है कि भाई अल्लाह के वास्ते अपने घर में पढ़ लो नमाज। ठीक है, वहां पे क्या सीन है मस्जिदों का भी, और दूसरा ये कि दूसरे जैसे जूस वगैरह क्रिश्चियंस के जो चर्चेज है वहां पे क्या सीन है वहां पे? नहीं बिल्कुल, ये तो खैर अभी जब हम स्टेज 3 में गए थे तो ये सब बंद कर दिया था, तो यहाँ पे भी बाजमात नमाज नहीं हो रही। कोई जैसे जूस जो है वो किसी की डेथ हो जाए तो एक ये लोग
बाद में जो भी प्रैक्टिस करते हैं, गैदरिंग करते हैं, तो वो हो रहा था, वो किसी एक दुकान के ऊपर, एक कोई अपार्टमेंट थे उसके ऊपर वो कर रहे थे बड़े छुप छुपा के। तो पुलिस आई और पुलिस ने आके उनको पकड़ ला और पकड़ के उनको काफी भारी फाइन दिए। मतलब पाकिस्तान का ये सिलसिला तो समझ ही नहीं आया क्यों उठा के डायरेक्ट सब कुछ बंद कर दिया। पाकिस्तान ही नहीं, इंडिया में भी यही हुआ है कि लॉकडाउन किया है तो कारोबार भी बंद है, फ्लाइट भी बंद है, डिलीवरीज तक बंद है। सही है, तो वहां पे जिस बंदे को किराया देने, सही है, जो दुकानें लेके बैठे हुए हैं उनका क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, कोई रिलीफ फंड तो है नहीं। पहली चीज तो ये है। फिर दूसरी चीज ये कि जाहिर है कोई लॉ एनफोर्समेंट नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही। 1.5 मीटर एक सेफ्टी डिस्टेंस है जो कि हर किसी को मेंटेन करना है। वो लाठियां मारते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, दूर लेने जा रहे हैं तो 100 बंदे अगर एक दूसरे पे गिर रहे हैं, उनमें से एक भी अगर कोई COVID-19 पॉजिटिव हुआ तो सारों में फैल जाने। और ये जितना आप लोग घरों में बैठे हो, ये मतलब ये तो वेस्ट करने वाली बात है और जितना लोगों को लॉस हो रहा है। मुझे ये पूछना था आप लोगों से कि वहां पे क्या सिचुएशन है, कि केसेस जितने भी हो रहे हैं तो वो क्या खुद जाके रिपोर्ट कर रहे हैं या वहाँ पे भी लगता है कि ऐसे केसेस है जो अनरिपोर्टेड जा रहे हैं? मेडिकल स्टोर एक जानने वाले का, उन्होंने बताया था उसके जरिए चला था दोस्तों जरिए, कि वहाँ पर एक बंदा दवाइयाँ लेने आ रहा था, उसको बुखार वगैरह हुआ हुआ था। तो मेडिकल स्टोर वाले को काफी दिनों से शक हुआ कि बंदा बार बार आ रहा है, काफी ज्यादा मिकदार में ले रहा है। तो उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट कर दिया और पुलिस ने आके फिर वो जब छापा मार के पूरी डिटेल की और केसेस वगैरह देखो तो पता चला कि वो कोरोना वायरस के विक्टिम थे और पूरी फैमिली थी। तो आवाम की अच्छा इसमें भी वजह उसके आपने देखा होगा सत्थर के, अगर आपको वाकया पता हो क्वारंटीन सेंटर था कि वहाँ पर कितना से दुखद ने जो मरीज थे उनको बिठाया हुआ था। गुजरांवाला का वाकया आया था, वीडियो आ रही थी कि वो जो सेंटर है वो भी बहुत खतरनाक है। मतलब आप देखें ना, यहाँ पर जो सेंटर्स हैं वहाँ पर अगर फैसिलिटीज नहीं होंगी तो वहाँ पर एक नॉर्मल बंदा जो है वो भी बीमार पड़ जाएगा। मैं बता दूं कि यार ये जो COVID-19 है ना, इससे पहले भी एक बहुत बड़ा पेंडेमिक आया था स्पेनिश फ्लू के नाम से 1918 में। और इसमें ये बता रहे हैं, मैं विकिपीडिया खोला हुआ और इसमें ये बता रहे हैं कि 500 मिलियन लोग इन्फेक्टेड हुए थे और जिसमें 17 से 50 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी। ये स्टार्ट हुआ था जनवरी 1918 में और एंड हुआ था ये दिसंबर 1920 में। अच्छा इस पे मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बताता हूँ आपको। मेरे भाई का दोस्त है, वो घर पर आ गया कि भाई फासले से बैठा हुआ था। अब थिंकिंग में बता रहा हूँ, आपकी मेंटालिटी बता रहा हूँ कि यहाँ पे, और वो पढ़ा लिखा है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं पढ़ा लिखा। कहता है कि यार ये तुम्हें पता है ये सारा जो ना ढोंग है पाकिस्तान में, ये असल में क्या है, ये लोग जो ना IMF से कर्जा लेना चाह रहे हैं इसलिए ये लोग जो है ना ये सारा ढोंग रचा रहे हैं। तो मैंने उसको बोला यार पूरे दुनिया में जो लॉकडाउन हुआ वो भी ढोंग है, और जो इंग्लैंड है, USA इतने अमीर मुल्क है, क्या वो भी IMF से कर्जा लेना चाहते हैं क्या? कहता नहीं नहीं, वो लोग रियल है, उनके मसले सही है, वहां पे कोविड आया हुआ है लेकिन पाकिस्तान में नहीं आया हुआ। अब ये देख लो हमारे उलमाए कराम है वो भी इसमें डिवाइडेड है। कुछ बोलते हैं कि नमाज घर पे पढ़ो और कुछ बोल रहे हैं कि नहीं यार आप जो है जुम्मे की नमाज तो कम से कम मस्जिद में जाके पढ़ो। तो यार ये भी एक बड़ा मसला है कि ये जो चीज है ना डिवीजन जो हमारे यहाँ, इससे भी बहुत ज्यादा मसले मसाइल हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ है कि जो शुरू में जो है एक महीने तक जो सिंध की जो परफॉर्मेंस थी वो ये थी कि एवरेज जो है 150 टेस्ट हो रहे थे जो इनकी रिपोर्ट आई थी, सही है ना। लाहौर में थोड़े ज्यादा हुए। तो एक लॉकडाउन का एक ये जो नुकसान हुआ है ना, लॉकडाउन के अंदर इन्होंने टेस्ट ज्यादा नहीं किए और वो उनकी वजह देते हैं कि जो है हमारे पास टेस्ट कम थी जो भी है। तो ऑस्ट्रेलिया में मुझे बताओ यार के टेस्ट कितने तेजी से हो रहे हैं और क्या परफॉर्मेंस है गवर्नमेंट की इसके ऊपर, लॉकडाउन भी किया हुआ साथ में और परफॉर्मेंस कितनी तेज कर रहे हो? अच्छा इस में बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें ना थोड़ी सी बेवकूफी रही है यहाँ पे, क्योंकि मैं पर्सनली बताऊँ, मुझे खुद फ्लू हुआ था, थोड़ा सा फीवर हुआ था एक टाइम पे, आई थिंक जनवरी की बात है। और उस टाइम मैं जब अपने GP के पास गया तो GP ने बोला कि हमारे पास तो इधर कोई केस आया नहीं, तुम बताओ तुमने क्या क्या किया, तुमने ट्रेवल किया।
तो मैंने बोला कि मैंने ट्रैवल नहीं किया, तो कहने लगे कि चांसेस जो है वो बहुत कम है। वो जो जीपी था वो यू नो वो मेरे फेस पे आ गई थी वो बिल्कुल, वो टेम्परेचर चेक करने के लिए। तो कोई प्रिकॉशंस नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, पर उस वक्त बिल्कुल इनिशियल लेवल थे इस डिजीज के, तो ज्यादा रिसर्च भी नहीं हुई थी। तो वो क्या था कि मतलब जब शुरू के टाइम पे इन्होंने बस लेट गो किया है, जिसकी वजह से ये स्प्रेड जरा ज्यादा हुआ था। आपको याद होगा जनवरी फेब में और दिसंबर के टाइम पे ऑस्ट्रेलिया पीक पे गया था, बहुत ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए थे। उसके बाद मतलब उन्होंने हेल्पलाइन एक बना दी थी कि अगर किसी को थोड़ा भी सिम्टम हो रहा है, नो मैटर उसने ट्रेवल किया या नहीं किया, वो हेल्पलाइन पे कॉल करे और उसके बाद फिर वो जो भी मेजर्स लेते हैं अपने टेस्ट के, तो वो सब करना शुरू हो गए थे। पर शुरू में इन्होंने थोड़ी चीज में बेहतियाती की। आखिरी क्वेश्चन ये है कि आगे क्या होने वाला है। मेरा इसमें जो कंसर्न है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर लॉकडाउन को 3 हफ्ते से ज्यादा घंटा गुजर गया है और कहा जाता है कि कोरोना वायरस जो है वो उसके सिम्टम जो है वो 2 हफ्ते के अंदर ही नजर आ जाते हैं। तो मुझे ये समझ में ये नहीं आ रहा कि अगर ऐसा होता है तो 3 हफ्ते गुजरने के बाद भी रोजाना केसेस में कैसे आ रहे हैं। यही मतलब या तो लॉकडाउन नाकाम हो रहा है या क्या वजह है, ये अभी तक समझ में नहीं आया। और अगर ये ऐसे ही चलता रहेगा तो नए केसेस तो रोजाना आते रहेंगे। पाकिस्तान में तो इस वक्त जो रिपोर्टेड केसेस है आज के दिन 144 हुए हैं, तो अगर ये लॉकडाउन खोल देंगे तो ये तो और ज्यादा रिपोर्टेड केसेस होंगे। तो मेरे हिसाब से काम तो कर रहे हैं लॉकडाउन, मगर ये है कि थोड़ी और एहतियात करें तो ये केसेस भी रिपोर्ट ना हो। ये जो COVID-19 है ये कम से कम 2 साल ले लेगा खत्म होते होते, दुनिया भर की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ पाकिस्तान की या ऑस्ट्रेलिया की नहीं, दुनिया भर में खत्म होते होते 2 साल तो मिनिमम ले लेगा। चले इसको रैप अप करते हैं, और काफी अच्छी डिस्कशन हो गई है, काफी चीजें हमने जो है जो कंपेरिजन था वो अच्छा खासा हमने किया है। तो इजाजत लेते हैं आप लोगों से, और मेरे चैनल उमर ब्लॉगर को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आप सब गेस्ट का शुक्रिया बहुत बहुत। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज़।